भारत में वैसे तो धार्मिक स्थानों की कोई कमी नहीं है। हर साल लाखों यात्री तीर्थ करते हैं, लेकिन उनमें से बेहद खास माना जाता है पहाड़ों और बादलों के बीच स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार। वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। ये यात्रा भले ही कठिन है, लेकिन यहाँ का दृश्य बेहद अलौकिक है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा कि आपको पता है कि साल में लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, और अगर आप भी इस बार वैष्णो देवी के दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो जाने से पहले श्राइन बोर्ड के नए रूल्स के बारे में जरूर जान लें। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर पाते तो आप माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो नए नियम। दरअसल माँ वैष्णो देवी के मंदिर में श्राइन बोर्ड ने नई ड्रेस गाइडलाइन जारी की है। इस दौरान श्रद्धालुओं को ऐसे शालीन वस्त्र पहनने होंगे जो वैष्णो देवी भवन की गरिमा कायम रख सके, साथ ही दूसरे श्रद्धालुओं को भी असहजता का सामना न करना पड़े। इसलिए महिला या पुरुष सभी के लिए नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्राइन बोर्ड की नई गाइडलाइन में कहा गया कि अब से टी शर्ट, कैप्री, निक्कर या अन्य छोटे कपड़े पहनकर वैष्णो देवी भवन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मां की गुफा में एंट्री नहीं मिलेगी। यही नहीं, उन्हें अटका आरती में भाग लेने से भी वंचित कर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को इस नियम की सूचना देने के लिए वैष्णो देवी परिसर में हर जगह सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, साथ ही लाउडस्पीकर से भी उन्हें नए नियमों से अवगत कराया जा रहा है। इसी के साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए भी लोगों से मर्यादित कपड़े पहनने की अपील की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।